हाय एवरीवन, चलिए आज सूजी का ढोकला बनाते हैं, मगर इसमें हम कुछ नयापन लाएंगे और बनाएंगे ट्राई कलर ढोकला। सूजी का ढोकला बनाने के लिए देंगे सबसे पहले सूजी, फिर बीटरूट, थोड़ा सा धनिया, दही और इनो। बीटरूट को पैन में देकर उसमें 1.5 कप पानी डाल करके बॉईल कर लेंगे। धनिया को मिक्सर में देकर के थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। बीटरूट ठंडा हो गया है, उसको छान लेंगे एक ग्लास में। धनिया को भी हम छान लेंगे। अभी एक ग्लास में बीटरूट का पानी, एक ग्लास में नॉर्मल पानी और एक ग्लास में धनिया का पानी रेडी है। 3 बूंद लेंगे, उसमें 1-1 कप सूजी डालेंगे। दो टीस्पून दही डालेंगे, तीनों में बराबर से डालेंगे। पानी हमने रेडी करे थे वो तीनों बोल में हम बराबर से मिक्स कर लेंगे। पहले में धनिया का, दूसरे में सादा पानी और तीसरे में बीटरूट का पानी। इन तीनों पेस्ट को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब देखिए इनकी कंसिस्टेंसी। बहुत ही ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा पतला भी नहीं है। गैस हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए देर में हम 3 कटोरियां लेंगे और इनको ग्रीस कर देंगे। अब सबसे पहले बीटरूट वाला पेस्ट लेंगे, उसमें 1/3 टीस्पून इनो मिला करके मिक्स कर लेंगे और सबसे पहले अपनी पहली लेयर डाल देंगे। अभी इसको स्टीमर में 2-3 मिनट के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम व्हाइट वाले पार्ट में इनो मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट बाद हम अपनी दूसरी लेयर भी डाल देंगे, फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक दें। अब आखिरी लेयर में भी इनो मिला लेंगे। 2 मिनट बाद अब आखिरी लेयर भी हम सूजी ढोकले के ऊपर डाल देंगे। अब अगले 5 मिनट के लिए ढोकले को ढक देंगे। अब 5 मिनट बाद ढक्कन को खोल करके देख लेंगे, चाकू डाल करके चेक कर लेंगे, इसमें चिपक तो नहीं रहा। ढोकले को 10 मिनट तक ठंडा करने के बाद हम इसको रीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर 3 लेयर्स आई हैं। अभी तड़का रेडी करने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल में थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी सी मिर्चा और कड़ी पत्ता डालेंगे और अब हमने इन तीनों ढोकलों को जो तड़का रेडी करा था उसे गार्निश कर देंगे। ये लीजिए ट्राई कर रहे ढोकला बनके तैयार।